पाकिस्तान के तेज गेंदबाज का अभिषेक शर्मा को आउट होने के बाद इशारों में टशन दिखाने की कोशिश करना, रमनदीप सिंह का सुपरमैन की तरह उड़कर हवा में एक आश्चर्यचकित करने वाला कैच लेना, कश्मीर के लड़के का इंडिया के लिए जोर लाकर पाकिस्तान को हराना, एमआई ब्लड का इस मैच में छा जाना, पाकिस्तान के कप्तान का बेवकूफ वाला शॉट खेलकर आउट हो जाना, पावर प्ले में इंडिया का जलवा दिखाना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टॉप फाइव मोमेंट क्या है मेरी जान। पर आप में से बहुत सारे लोगों जिन्हें मैच देखा नहीं होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन गुरु मैच तो तगड़ा था क्योंकि कई इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे थे। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच में कई सारे मूवमेंट्स आए जो तगड़े वाले, मतलब एकदम माहौल बदलने वाले, और ऐसे मूवमेंट जिसमें आप कहेंगे यार क्या मूवमेंट है, मतलब लौंडे तो लौंडे, हालांकि इनके बाप दादा भी ऐसे कर गए, गौतम गंभीर, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, हरभजन सिंह। इंडिया पाकिस्तान का मैच गरमाता है, इस बार भी यही हुआ, पहला मूवमेंट हमने यही लिया है। पाकिस्तान के सुफियान ने अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ये किया तो मामला गरमाया। अभिषेक तगड़ा खेल रहे थे, पावर प्ले में तगड़ी शुरुआत की थी, ताबड़तोड़ रन बन रहे थे, इंडिया डोमिनेट कर रही थी कि तभी सुफियान मुकीम आते हैं और अभिषेक का विकेट निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी होगी और अभिषेक को उन्होंने सेंड ऑफ किया, ये किया और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर फिर मामला गरमाया। अभिषेक शर्मा भी काफ़ी गरमा रहे थे, तब तक अंपायर ने समझाया और कोशिश की कि अभिषेक को आप संभाल लो। हालांकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो तो ये सब आप एक्सपेक्ट करते हो और ये आपको मिला। सुफियान मुकीम और अभिषेक ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मूवमेंट की एहसास करा दिया, पहले भी कई बार ऐसा होता है, ये रहा। हालांकि इस मैच में इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती का भी एक मूवमेंट था, बढ़िया मूवमेंट था, जब निहाल वडेरा ने पाकिस्तान के खिलाड़ी के जूते के फीते बांध दिए, ये बड़ा दोस्ती यारी वाला मूवमेंट था। आमतौर पर इंडिया पाकिस्तान में इतना भाईचारा देखने को नहीं मिलता, मारा मार वाले मूवमेंट्स हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने थोड़ा सा मैच को इजी किया और ये बताया कि यार इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइट मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। निहाल वडेरा ने पाकिस्तान के प्लेयर के जूते बांधे। इनफैक्ट एक मूवमेंट और आया था कि आयुष बदोनी ने पाकिस्तानी प्लेयर यासर के बैट की ग्रिप जो है वो जब ढीली हो गई थी तो उसको ठीक करने की कोशिश की, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट था जहाँ पर यासर के बैट की ग्रिप जो है वो ठीक की गई। सो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो था ये भी इस मैच में दिखाई पड़ा, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग इस मैच में देखने लायक था। तीसरा मूवमेंट जो मेरे हिसाब से बढ़िया मूवमेंट था वो था रमनदीप का कैच। यार क्या सटीक मूवमेंट पर क्या सटीक कैच था, और मेरे हिसाब से मानिए तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में या एशिया कप में या हाल फिलहाल के जितने मैचेस मैंने देखे हैं, या तो मुझे वो सूर्य कुमार यादव वाला कैच याद आता है, वो जो फाइनल में लिया था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, आखिरी ओवर में डेविड मिलर का वो शॉट हवा में उछल कर कैच पकड़ना और उस कैच ने मैच बना दिया था, वो था, या रमनदीप भाई का ही कैच था, बहुत तगड़ा कैच था। मतलब यासर तगड़ा खेल रहे थे, मैच काफ़ी शिफ्ट हो रहा था, पाकिस्तान टीम एग्रेसिव थी, लग रहा था कि शायद पाकिस्तान यहाँ से मोमेंटम कैरी कर रहा है, लेकिन तभी यासर का एक शॉट और उस शॉट पर रमनदीप का सिंगल हैंड डाइव लगाकर एक अचंभित करने वाला कैच पकड़ना, सारी दुनिया ने कह दिया भाई साहब वाओ वाओ क्या कैच है यार, मतलब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ये स्टनिंग है, अनरियल कैच था, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े मोमेंट में यहाँ पर आ रहा था। फिर एक बड़ा मोमेंट चौथा जो था मेरे लिए वो था कश्मीर के लाल का रन बनाना। राशिक सलाम दिल्ली से खेलते हैं, तगड़े प्लेयर हैं, आखिरी बॉल पर आए थे और पाकिस्तानी गेंदबाज को सीधे छक्का मारा। कश्मीरी लड़का यार इंडिया को मैच जिता रहा है, क्या चाहिए और ज़्यादा। इंडिया 7 रन से जीती, राशिक सलाम ने 6 रन मारे थे, आप जोड़ लो काफ़ी फर्क पड़ता है। इनफैक्ट राशिक सलाम ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, 19th ओवर अगर आपको उनका याद हो, पहली बॉल लेग बाय, दूसरी बॉल चौका, फिर सिंगल, फिर डॉट बॉल, फिर सिंग एक रन, और ये किसके सामने, अब्दुल समद के सामने। अब्दुल समद बहुत एग्रेसिव थे, तगड़ा खेल रहे थे, बट राशिक सलाम ने उन्हें बांध कर रखा, रन नहीं लेने दिया, और उसका असर था कि इंडिया इस मैच को जीत जाती है। वहीं का प्रेशर था कि आखिरी ओवर में विकेट भी अपना गवा देते हैं। एंड लास्ट मोमेंट ऑफकोर्स ओपनिंग पार्टनरशिप, ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। हैरिस ने पोस्ट मैच कहा भी कि 70 रन पिट गए थे, इतना पिटोगे तो आप कहाँ से जाओगे, वो आप पॉसिबल ही नहीं है, 68 रन आप 6 ओवर में पिट जाते हो बिना विकेट गवाए, तो आप मैच नहीं जीत सकते हो, और आई थिंक वही यहाँ पर हुआ था, पावर प्ले में मैच जीत गए थे। बाकी रही सही कसर अंशुल कंबोज ने पूरी कर दी, एमआई ब्लड
गजब गेंदबाजी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, बट मेरे हिसाब से ये पांच मोमेंट थे। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? प्लीज नो, एक हैरिस वाला मोमेंट भी अच्छा था मेरे हिसाब से, अंशुल कंबोज का पहली बॉल पे छक्का, मोमेंट गर्म होता है, लगता है यार मामला बन गया, और फिर दूसरी बॉल पे अंशुल क्लीन बोल्ड मारते हैं और लोग कहते हैं अरे यार हैरिस भाई तुम कब सुधरोगे यार, हमेशा टैलेंट टैलेंट के नाम पे तुम रह गए यार, क्लीन बोल्ड मार दिया लड़के ने, तो आई थिंक वो भी एक बड़ा मूवमेंट था। मेरे हिसाब से ये पांच बड़े मूवमेंट थे। आपकी नज़र में क्या मूवमेंट है, लेट अस नो।